हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे एक नॉर्मल वे में भी मतलब ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है और फार्मा इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गाइडलाइन जो है बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के लिए दी गई है। तो आज हम बात करेंगे जीएलपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, और इस गाइडलाइन को बहुत ही हम सिंपल वे में समझेंगे कि जीएलपी आखिरकार होती क्या है, इसका फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, और बिल्कुल इजी और सिंपल वे में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जीएलपी डायरेक्टली रिलेट करेगी आगे जो हम बात करेंगे, जो हमारे अगले पार्ट्स होंगे वीडियो के, वो होंगे जीएमपी और सीजीएमपी के बारे में। तो जीएमपी और सीजीएमपी को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जीएलपी होती क्या है और क्यों ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम जीएलपी के बारे में, जो कि कहलाती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो देखिए, नॉर्मल वे में अगर हम बात करें कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होती है, तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस बेसिकली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसका मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो आपको किसी भी वर्क प्लेस में प्रोवाइड कराई जाती है। वर्क प्लेस का मतलब, मैं वर्क प्लेस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आपके कॉलेज की लेबोरेटरी भी हो सकती है, आपकी जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसकी लेबोरेटरीज भी हो सकती हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो कहलाती है जीएलपी। इसको मैं और सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर काम कर रहे हैं, और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल जो लैब आपको दी गई है उस लैब के अंदर पूरी फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी से मतलब अगर उधर जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा वहां पर एसओपी नहीं लगी हुई है, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड नहीं है, उसके अलावा जो पर्सन वहां पर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वहां पर सेफ्टी और हैजार्ड्स का ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो सीधी तो क्या वहां पर कोई टेस्ट पास हो सकता है, वहां पर कोई एनालिसिस सही आ सकता है, क्योंकि ना वहां पर मशीनें ढंग से काम कर रही हैं, ना वहां पर्सन ढंग से काम कर रहे हैं, ना वहां डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से है। इसका मतलब है कि वहां पर जो भी एनालिसिस होगा वहां पर गलती होने के चांसेस 100% है, क्योंकि वहां पर आपके पास जो फैसिलिटी दी गई है वो सही नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, और इन्हीं सारी फैसिलिटीज को कहा जाता है जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। अब आप प्रॉपरली ट्रेंड है, आपको बहुत अच्छे से काम आता है, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, किसी भी क्यूसी लैब के अंदर जा रहे हैं, आप प्रॉपरली ट्रेंड है, आपको बहुत अच्छे से काम आता है, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से आती है, आपको गाइडलाइन भी पता है, आपके अंदर वो सारी स्किल है, सारा नॉलेज भी है, बट मैं आपको एक ऐसी लेबोरेटरी में काम करने को बोलूं जहां पर ना इंस्ट्रूमेंट ढंग से चल रहा है, ना वो कैलिब्रेटेड है, ना उसकी एसओपी ढंग से लगी है, वहां पर जो भी वर्क कल्चर है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये सारा जीएलपी के अंदर आता है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ में आप तो बहुत अच्छे हैं, बट जो सामने जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है वो अगर सही नहीं है, तो आप भले ही कितने भी अच्छे हो, जितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा स्किल हो, आप वहां पर सही तरीके से काम करने के बावजूद भी आपके रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे। आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपने रिजल्ट पूरा सिस्टमेटिक किया, प्रोसीजर फॉलो किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो गलत आ गया या सही नहीं आया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है जीएलपी की, मतलब उस लेबोरेटरी के अंदर जीएलपी फॉलो नहीं हो रही है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर जीएलपी का फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर की वजह से ही जीएलपी दी गई है, क्योंकि अभी मैं आगे जब आपको डिस्कस करूंगा कि जीएलपी हर जगह की अलग अलग होती है, और उसको आप बिल्कुल इजी वे में अगर हम समझेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, और ये हमारे नेचुरल वे है, मतलब हम जब नेचुरली काम करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर तो हमको भी ये पता होता है कि किस टाइप की फैसिलिटी हमको चाहिए, और जो जिस हिसाब से हमको फैसिलिटी मिलती है उसी हिसाब से फिर हमारे रिजल्ट आते हैं, और कई बार फैसिलिटी नहीं भी होती है तो हमारे रिजल्ट भी इसमें इफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीएलपी आप अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से भी जीएलपी को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, अगर आपने सही से कॉलेज के अंदर पढ़ाई करी है और आपको थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल का नॉलेज है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जीएलपी किस लेबोरेटरी की कैसी होनी चाहिए। तो थोड़ा मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि जीएलपी कहां पर कैसी होनी चाहिए, और आप बिल्कुल सिंपल वे में ये समझ सकेंगे कि कहां पर कैसी जीएलपी होनी चाहिए, और आप अगर एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएलपी की, और अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला है जीएलपी का, तो ये वीडियो देख के आपको किताब खोलने की जरूरत भी नहीं है, और आप एग्जाम के अंदर जीएलपी वाला क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो एक एक लेबोरेटरी का नाम लेते हैं और वहां पर हम ये समझते हैं कि वहां पर कैसी कैसी कंडीशन होनी चाहिए और वहां पर किस टाइप की गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जीएलपी का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है जिसमें आपको काम करना है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी आपके टेस्ट रिजल्ट्स, आपके एनालिसिस को और आपके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो जैसे कि मैं आपसे बात करूं एनालिटिकल लैब, मतलब आप क्यूसी लेबोरेटरी, मान लीजिए क्यूसी लैब ले लेते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए? तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, पहली बात तो वहां जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड होने चाहिए, वैलिडेटेड होने चाहिए, वहां पर जो एसओपी सही तरीके से लगी हुई होनी चाहिए, वहां पर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो प्रॉपरली होना चाहिए, वहां पर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, वहां इसका मतलब है वहां पर जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वहां पर जो ग्लासवेयर है मतलब पीपेट, मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उसके अलावा जो पर्सन वहां पर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको कैसे वहां पर काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, वहां पर उनको कहां कहां एंट्री करनी है। जैसे मैं एक एचपीएलसी का एग्जांपल ले लेता हूं, जब हम एचपीएलसी रन करते हैं तो हम कहां कहां एंट्री करते हैं, एचपीएलसी के रन करते हैं तो हम कॉलम लेते हैं तो कॉलम में एंट्री करते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं तो स्टैंडर्ड में एंट्री करते हैं, वेइंग बैलेंस में एंट्री करते हैं, पीएच मीटर में एंट्री करते हैं, कोई इंप्यूरिटी ले रहे हैं, कोई इंप्यूरिटी टेस्टिंग करनी है तो इंप्यूरिटी को अगर हम ले रहे हैं तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। उसके अलावा वहां पर जो भी आप काम कर रहे हैं उन सारे रिजल्ट्स का वहां पर एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एक एनालिस्ट ने अगर एनालिसिस कर दिया है तो उसके ऊपर जो सीनियर है वो उसको पूरी तरीके से रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा, और क्यूए उसको पूरे का पूरा उसको रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये पूरी जीएलपी के अंदर ही आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी जीएलपी के अंदर आता है। तो अगर किसी लैब के अंदर ये प्रॉपरली जीएलपी अगर फॉलो हो रही है तो वहां का प्रोडक्टिविटी, वहां का जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत सिस्टमेटिक आएंगे, एप्रोप्रिएट आएंगे और एक्यूरेट आएंगे। बट अगर इनमें से कोई भी रूल रेगुलेशन या जीएलपी फॉलो अगर वहां नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वहां के रिजल्ट्स जो होंगे वो अफेक्ट होंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर आएगी। तो अभी मैंने बात करी क्यूसी की, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर भी यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए स्टोरेज होता है, वहां पर इनोकुलेशन, और जब भी हम इनोकुलेट करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वहां एक एंट्री रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आप यूज कर रहे हैं, तो अगर कोई भी पर्सन माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एंटर कर रहा है तो वो पूरा वॉश क्लीन होकर जाए, अपने जो कपड़े हैं, जो क्लोथिंग है उसको चेंज करके जाए। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जैसा कल्चर होता है वैसे स्टराइल लेबोरेटरीज जो होती हैं, या जो स्टराइल प्रोडक्ट, जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन जहाँ पर डेवलपमेंट होता है या सिंथेसिस होता है, वहाँ भी यही कंडीशन होती है कि वहाँ पर आपको लेबोरेटरी में एंट्री होने से पहले एक बार आपको पूरा शॉवर लेना पड़ता है, पूरा क्लीन होना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर जो आपको ड्रेसअप मिलता है वो ड्रेसअप में होकर अंदर जाना पड़ता है और क्लीनिंग, मतलब फिर आपको प्रोसेस करनी पड़ती है जो भी आपको वहाँ पर काम करना है। तो ये भी एक जीएलपी का पार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी जीएलपी चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अलग टाइप की जीएलपी होती है, वहां पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंप्रेशन मशीन, ड्रायर, मिक्सर, सीविंग मशीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अलग अलग चैम्बर्स, अलग अलग कैबिनेट्स में होते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि अगर ये साथ में रख दिए जाएंगे तो वाइब्रेशन होने लग जाएगा, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो सभी को अलग अलग रूम्स के अंदर रखा हुआ जाता है, सिस्टमेटिकली इनको रखा जाता है, इनका IQ, OQ, PQ, इनका कैलिब्रेशन, इनका वैलिडेशन किया जाता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है जो कि QA डिपार्टमेंट रखता है। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि QA डिपार्टमेंट करता है, ये भी GLP का ही पार्ट है। तो मेरा जैसे कि मैंने आपको समझा रहा हूं कि जीएलपी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड है जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज चेंज होती रहती है। तो जब आपको अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है कि अगर आप क्यूसी की बात कर रहे हैं तो वहां की जीएलपी क्या हो सकती है, आप माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात कर रहे हैं तो वहां की जीएलपी क्या हो सकती है, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या की डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं तो वहां की जीएलपी क्या हो सकती है, अगर मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मेडिसिनल केमिस्ट्री लैब या माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात कर रहा हूं तो वहां की जीएलपी क्या हो सकती है, वहां पर सीधी सी बात है, वहां पर जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो सीधी सी बात है वहां पर केमिकल्स उड़ते हैं, वहां पर फ्यूम्स उड़ती हैं, तो वहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहां की जितनी भी फ्यूम्स है या कोई केमिकल्स की वजह से वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है या वहां पर आग लग जाती है तो वहां फायर एक्सटेंजर होने चाहिए जिससे आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। केमिकल्स जो है उनका स्टोरेज एरिया बहुत तरीके से होना चाहिए, केमिकल्स को सिस्टमेटिकली जमा हुआ होना चाहिए, उनकी नंबरिंग होनी चाहिए, उनका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, और वहां पर फ्यूमिंग चैम्बर होना चाहिए जहां पर आप केमिकल्स को इजिली ले सके, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसफोर केमिकल जो एसिडिक एसिड है या एसिडिक हाईली एसिडिक केमिकल्स हैं उनको लेने के लिए वहां पर फ्यूमिंग चैम्बर लगे हुए होने चाहिए। तो
मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी एक अलग जीएलपी होती है। वैसे अगर मैं एनिमल हाउस की बात करूं तो एनिमल हाउस के अंदर भी एक अलग जीएलपी फॉलो होती है। वहां पर एनिमल हाउस का केस अलग होता है, जैसे खरगोश रैबिट्स रखे हुए हैं तो उनका प्लेस अलग होता है, अगर वहां पर चूहे रैट्स रखे हुए हैं माइस रखे हुए हैं तो उनके लिए पूरा केज रखा हुआ होता है, वहां पर प्रॉपर लाइट फैसिलिटी होती है, वहां पर टेम्परेचर मेंटेन होता है, वहां पर कई जगह तो एयर कंडीशन भी लगे हुए होते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वहां पर और साथ ही साथ जो एनिमल्स को क्या क्या खाने को दिया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, किस समय दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, उनकी नंबरिंग लिखी हुई होती है। और यहाँ तक कि कई जगह तो वैसे तो ये गाइडलाइन के अंदर ही है कि अगर आप एनिमल लैब को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको एनिमल्स का भी हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, तो उनका हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड भी रखा हुआ जाता है, उनका खाना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उनका फूड आ रहा है, उसका रिकॉर्ड, उनके बिल्स भी रखे जाते हैं। तो अब हम जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं जीएलपी के बारे में, तो दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो जीएलपी के अंदर आती है जिसका हमको डिस्कशन करना है, और वो है सेफ्टी एंड हैजार्ड्स एंड बिल्डिंग प्रीमाइसेस। देखिए सेफ्टी हैजार्ड्स और बिल्डिंग प्रीमाइसेस भी जीएलपी के अंदर आता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर आता है, क्योंकि सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है जीएलपी के अंदर, क्योंकि आप जब किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेबोरेटरीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, वहां पर फायर अलार्म लगाए जाते हैं, फायर एक्सटिंजर लगाए जाते हैं, साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स हैं उनको हैंडल करने के लिए एक अलग से जगह होती है जहां पर आपको उसको हैंडल करना है, साथ ही साथ सेफ्टी एंड हैजार्ड से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहां पर जो पर्सन वहां पर काम करते हैं जो वेल इक्विप मतलब वेल ट्रेंड पर्सन होते हैं, और वो किसी भी कंडीशन में वहां पर आपके एनालिस्ट या वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, साथ ही साथ सेफ्टी एंड हैजार्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग भी होती है और उस ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, और ये भी जीएलपी के अंदर आता है। अगर जीएलपी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप जीएलपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर इंडस्ट्री जो भारत सरकार के द्वारा या किसी भी कंट्री के द्वारा अगर आपको कोई अप्रूवल चाहिए फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको जीएलपी प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि जीएलपी के अंदर सेफ्टी हैजार्ड्स और बिल्डिंग प्रीमाइसेस भी आता है, तो आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसको कैसे डिजाइन करना है, वहां पर आपको कितना स्पेस छोड़ना है, आपको किस लेबोरेटरी को कितना स्पेस देना है, वहां पर कैसे आपको उसका डिजाइन बनाना है, उसका ब्लूप्रिंट, ये सब भी जीएलपी के अंदर आता है, और ये सब चेक करने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है इंडस्ट्री खोलने के लिए, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो या फार्मा इंडस्ट्री हो। तो जीएलपी का कहने का मतलब ये कि जीएलपी एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी गाइडलाइन है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, मतलब आपने जब काम करना स्टार्ट किया, मतलब इंडस्ट्री अभी बनी भी नहीं है, वहीं से ही जीएलपी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री की बिल्डिंग का डिजाइन, वहां की लेबोरेटरीज का डिजाइन, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, यहां तक कि वहां पर क्या होगा उसका पूरा डिजाइन, आप पहले एक आपकी जो भारत सरकार है या जिस भी अथॉरिटी से आपको अप्रूवल चाहिए वो डिजाइन आप उनको देते हो, और उसके बाद वो आपको अप्रूव करती है इंडस्ट्री खोलने के लिए। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपरली जीएलपी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरी जो अप्रूवल एजेंसीज है जिसमें MHRA, WHO, USFDA, ये सब भी जीएलपी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, और बेसिकली ये जीएलपी को ही देखती हैं कि आप जीएलपी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपरली जीएलपी फॉलो नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा और आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो, और अगर आपने इंडस्ट्री खोल भी दी और आप प्रॉपरली जीएलपी नहीं फॉलो कर रहे हो तो सीधी सी बात है अगर आप रिजल्ट एनालिसिस करते हो या कोई प्रोडक्शन भी करते हो तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो जीएलपी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएलपी फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि कॉलेजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कॉलेजेस होते हैं वहां भी PCI ने गाइडलाइन दी है कि आपको किस टाइप से लेबोरेटरी बनानी है, वहां पर आपको कैसे केमिकल रखने हैं, उनके कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो कॉलेज लेवल पे भी जीएलपी फॉलो की जाती है। इसलिए अगर आप अपने कॉलेज के अंदर देखोगे, अगर आपका कॉलेज बहुत सिस्टमेटिक होगा तो आपको अगर चेक करना है कि आपका कॉलेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जीएलपी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप अपने कॉलेज में जाइए और अलग अलग लेबोरेटरीज को देखिए। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी को देखिए, आप फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री को देखिए, आप कोलोजी लैब को देखिए, आप एनालिटिकल लेबोरेटरी को देखिए, आप APHE लैब को देखिए, आप एनिमल हाउस देखिए, सभी लैब्स के अंदर जो सिस्टम होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो उधर उस लैब को फॉलो करता है और उसके रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया वहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फायर एक्सटेंजर होने अच्छे होने चाहिए, केमिकल का स्टोरेज बहुत सही तरीके से होना चाहिए। अगर आप एनालिटिकल लैब के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है HPLC UV FTIR, तो वहां पर रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वहां पर एयर कंडीशन लगे हुए होने चाहिए। अगर आप एनिमल हाउस देखेंगे तो वहां पर रैबिट्स रेट्स को सिस्टमेटिकली अलग अलग रखा हुआ जाएगा, वहां एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा, वहां कूलिंग होगी। तो हर लैब का
अलग अलग सिस्टम होता है और यही जीएलपी कहलाता है, और इसी फीचर के बाद ही आता है जीएमपी और सीजीएमपी जो कि ह्यूमन को रिलेट करता है, और वहीं जीएलपी जो होता है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी फैसिलिटी को रिलेट करता है। तो अलग जीएलपी जो है, और मैं आशा करता हूं कि जीएलपी को मैंने बहुत आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया, साथ ही साथ मैं साइड में कुछ पॉइंट्स भी डिनोट करते जा रहा हूं, अगर तो ये आप छोटे शॉर्ट पॉइंट्स हैं जिनको आप देख के आप इजिली नोट्स भी बना सकते हैं और एग्जाम के अंदर लिख भी सकते हैं और आपको जीएलपी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो साइड में नोट्स भी मैं लगाता जा रहा हूं और साइड में पॉइंट्स भी बताता जा रहा हूं आपको। फिर भी अगर आपको कोई जीएलपी से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। उसके अलावा अगला जो मेरे पार्ट्स होंगे जीएलपी के बाद, उसके बाद मैं बात करूंगा जीएमपी की, सीजीएमपी की, उन दोनों को कोरिलेट करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस बताएंगे और हम ये बताएंगे कि सीजीएमपी जीएमपी से क्यों बेहतर है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।